जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र की एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, अगर कोई चालक है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है, अगर वो आवेशित है तो। ठीक है, और उस विद्युत क्षेत्र में कितनी एनर्जी है, एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी वो रखता है, वो हम फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, एक गोलीय कोश लिया है, इसकी रेडियस क्या है आर, और उस पर आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। क्लियर है? ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी आवेशित चालक उसके बाहर, अगर वो आवेशित है तो वो अपने बाहर क्या लगाता है, दाब लगाता है, एक बाहर की तरफ क्या लगता है, दाब लगता है। ठीक है, दाब लगता है तो क्या बाहर की तरफ फोर्स भी लगता है ना। ये अपने बाहर की तरफ क्या लगाता है, दाब लगता है। ठीक है, या फिर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, अब यदि मैं इसको कंप्रेस करूं, है ना, तो ये बाहर बल लगा रहा है, ये बाहर की तरफ, है ना, दाब भी है और बल भी है। ठीक है, अगर ये बाहर की तरफ बल लगा रहा है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, कंप्रेस करना चाहता हूँ, संपीड़ित करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको संपीड़ित करना चाहूँ तो मुझे जो बाहर की ओर लग रहा है बल, उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना, और वही वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में, है ना। बाहर की ओर बल लग रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ या कह रहा संपीड़ित कर रहा हूँ। ठीक है, तो संपीड़ित करने पर क्या होगा, मुझे बाहर की ओर लगने वाले बल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, समझते हैं इसको। ठीक है, तो आर त्रिज्या का समरूप गोलीय कोश है। ठीक, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। अब ये बाहर की ओर कितना दाब लगाता है वो देखते हैं। ठीक है, तो गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब कितना होगा, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नॉट। ये हमने पिछले वीडियो में निकाला था, डेराइव किया था। ओके, ठीक। अब अगर इतना दाब लग रहा है, इसका मतलब बल भी लग रहा है ना, तो बल कितना होगा, तो बाहर की ओर बल। ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू P इंटू ए, है ना। हम जानते हैं दाब क्या होता है, P इज इक्वल टू F अपॉन ए, तो यहाँ से F क्या आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा P इंटू ए। ठीक, तो यहाँ से हमने F निकाल लिया। ठीक, तो F इज इक्वल टू P क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, और ए क्या है, एरिया इसका, ये बाहर की ओर दाब लगा रहा है इतना, और दाब की वजह से बल लग रहा है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, तो एरिया कितना है इसका, तो अगर इसकी रेडियस आर है तो इस गोले कोश का एरिया हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक, तो हमने बल ज्ञात कर लिया। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, संपीड़ित कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, संपीड़ित, है ना। संपीड़ित करके मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इतना मैंने इसको संपीड़ित कर दिया, और कितना कम किया, तो वो ले लिया मान लो मैंने dr, कितना कम किया मैंने dr, है ना, ये इसका, इस गोले कोश का आयतन कम हो गया, जो मैंने डॉट डॉट से बनाया है। ठीक है, ये उसका संपीड़ित करने पर इसका आयतन क्या हो गया, कम गोले का। तो ये त्रिज्या क्या बची, ये त्रिज्या हो जाएगी r माइनस dr। ठीक है, तो आपने क्या किया, बाहर की ओर एक बल लग रहा है, उस बल के विरुद्ध आपने क्या किया, काम किया, और उसकी त्रिज्या, या कह दो उसकी दूरी, r दूरी कम कर दी, उसकी त्रिज्या क्या कर दी, कम। ठीक, आयतन कम हो गया। तो आपने dr दूरी कम करने में कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। ठीक है, तो वो वर्क निकालो, है ना, क्योंकि आप फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ, उस फोर्स के विरुद्ध आपने क्या किया, वर्क किया, तो वो वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो
क्या लिखते हैं? गोले को डी आर दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, है ना। आपने गोले को डी आर दूरी तक संपीड़ित किया, ठीक है, कंप्रेस किया, तो आप किया गया कार्य निकाला, तो क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन कितना किया आपने? डी आर। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ तक ठीक है? ठीक, फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब यहाँ देखो ये टर्म क्या बन रही है, फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, ये आयतन की टर्म बन रही है, या कह दो आयतन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, या कह सकते हैं या तो गोले के आयतन में कमी या फिर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, है ना, या दो चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ तो क्या हो रही है, जैसे ये गोला है, ठीक है, इसका पृष्ठभाग घनत्व क्या है? सिग्मा, यहाँ पर ये, ठीक है, तो अगर इसके लिए विद्युत क्षेत्र लिखूं कोई भी चालक के लिए रेंडमली लेता हूं, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं, छोटा करता हूं, ठीक है, तो ये आवेश पास पास आ जाएंगे, है ना, एरिया क्या हो गया? कम। एरिया क्या हो गया? कम। कम हो गया तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ गया। क्या बढ़ गया? विद्युत क्षेत्र बढ़ गया, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही है एक साथ, आप या तो यह कह सकते हो इसको संपीड़ित करने पर गोले का आयतन तो कम हो गया और विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ गया मतलब विद्युत क्षेत्र बढ़ गया और गोले का आयतन क्या हो गया? कम, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या ले सकते हैं? फोर पाई, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, ये आयतन की टर्म बन रही है। देखो फोर पाई को भी रहने दो, चलो ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, तो आर क्यूब जैसा बन रहा है, आर क्यूब, है ना, तो ये आयतन की टर्म होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख देते हैं हम डी वी, ठीक है, और डी वी क्या है? डी वी, डी वी है फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यहाँ लिख सकते हैं हम गोले के आयतन में कमी, गोले के आयतन में कमी। बात क्लियर है यहां पर? ठीक, तो ये आ गया हमारे पास कार्य, उसको डी आर संपीड़ित करने में किया गया कार्य आ गया, ठीक है। हम चाहते हैं एकांक आयतन में, क्या चाहते हैं हम? एकांक आयतन में, क्लियर, ठीक। तो यहां देखिए डी वी आयतन में उसकी ऊर्जा कितनी है मान लिया, या डीवी, डीवी आयतन में उसके पास कितना 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 कार्य किया गया? डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, तो एकांक आयतन में कितना करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू अपॉन डीवी, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने इतना आयतन चेंज किया, ठीक है, तो आपके पास ये कार्य है, ठीक है, हमें चाहिए एकांक आयतन में, ठीक है। तो डी वी आयतन के लिए आपने कितना काम किया? डी डब्ल्यू, ठीक है, तो एकांक के लिए कितना करेंगे? डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? एकांक आयतन में संचित, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और इसको एक नाम और बोलते हैं, या ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ठीक। तो क्या होगा उसको? उसको लेंगे हम यू से, किसे लेंगे? यू से। तो
तो ये इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी यू, सॉरी डी वी, एकाकायतल के लिए है तो डी वी, ठीक। तो U इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्साइलन नॉट डी वी अपॉन डी वी, तो डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो U हमारे पास आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्साइलन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया एकांक आयतन में ऊर्जा के लिए, क्लियर है, ठीक। अब इसको हम विद्युत क्षेत्र के रूप में भी ले सकते हैं, है ना। अगर ये तो तब है जब सिग्मा आपको गिवन है या सिग्मा की टर्म में है, है ना। हम चाहे तो इसको विद्युत क्षेत्र की टर्म में, ई की टर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो, हम जानते हैं किसी चालक के लिए ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालो तो सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, है ना। यहाँ से सिग्मा क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये वैल्यू सिग्मा की यहाँ पुट करो तो क्या आता है, तो यू इज इक्वल टू, अतः यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने सिग्मा की वैल्यू दी तो स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई स्क्वायर, ओके। तो एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट जाएगा तो हमें मिलेगा यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने तो बाहर जो बल लग रहा था उस बल के विरुद्ध हमने क्या किया, काम किया, वर्क किया, ठीक है। और वही वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में, वो हमने इस प्रोसेस से निकाला, ठीक है। अब देखो यू के फॉर्मूले में ई आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है कॉन्स्टेंट है, ठीक ई आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो गोली कोष लिया है, हमने इजी करने के लिए गोली कोष लिया, हम किसी भी आकृति के लिए निकाल सकते हैं, हर कोई भी आकृति होगी, कोई भी चालक होगा उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा, है ना, चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी के लिए कोई भी हम अगर आकृति लें, कोई भी शेप लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये लें, ये तो हमने इजी प्रोसेस करने के लिए गोली कोष चुना, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति का कोई रोल नहीं, ठीक, हर एक के लिए फॉर्मूला यही आएगा, क्लियर है, ठीक। तो ये आता है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में एनर्जी, क्लियर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।